हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पालक की बहुत ही बढ़िया और अच्छी रेसिपी। हाँ फ्रेंड्स, आज हम पालक से बहुत ही अच्छे परोठे बनाकर दिखाएंगे, जिसे कि बार बार आप इन्हें बनाकर खाएंगे। इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है और हरी सब्जी हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो प्रोटीन और फाइबर से भरी आज हम पालक से बनाने वाले हैं आपके लिए पालक का पराठा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पालक ले लिया है। पहले ही मैंने इनके डंठल निकाल लिए थे। ये मैंने फ्रेश पालक लिया हुआ है और इसे हम पहले वाश कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे पहले वाश करने के लिए इसमें डाल दिया है। और जो हाफ पालक है उसे हम एक साइड में रख देते हैं, क्योंकि मैं इसमें से आधा ही ले रही हूँ। ये मैंने 500 ग्राम पालक लिया हुआ था, इसमें से मैंने 200 ग्राम पालक ले लिया है। और हम इसे अच्छे से वाश करने के बाद, मैंने एक बार पहले धो लिया था और एक बार फिर से मैं इसे धो रही हूँ। अब हम डालेंगे इस पानी के अंदर इसे, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा बॉईल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे जो इसके साथ हमें लेने हैं पनीर। तो मैंने 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है। अब मैं इसे क्रश कर लेती हूँ, ताकि ये बिल्कुल बारीक अच्छे से क्रश हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा पनीर इसमें अच्छे से क्रश कर लिया है, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अब एक तरफ हम देख लेते हैं, हमारा पालक भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। देखिए, तो हमें अपने पालक को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है अब इसी कंडीशन में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पालक को बॉईल कर लिया है। आपको एक उबाल में ही निकाल लेना है। तो अब मैं इसे स्ट्रेनर के ऊपर रख लेती हूँ, छलने के अंदर इसका पानी छान लेती हूँ। और जो ये पालक का पानी है, इसे आप फेंकना मत। इसे या तो आटा भिगोने में या फिर किसी उसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन है। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा पालक अच्छे से ठंडा हो रहा है, मैं आटा भिगो लेती हूँ। तो देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में हम डालेंगे आटा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 से 3 कटोरी आटा ले लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कितने पराठे बनाने हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमें ये है थोड़ा नमकीन करना है। तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा मोइन। मोइन में आप घी, ऑयल, जो भी आपका मन करे वो ले सकते हो। तो मैंने ये देसी घी लिया हुआ है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आपका, आप जो नॉर्मली रोटियों के लिए आटा लेते हैं, उस प्रकार का इसका डो बना लेंगे। मैंने वही पालक का पानी लिया हुआ है, जो अभी मैंने पालक बॉईल किया था। तो देखिए, मैं इसका बहुत ही अच्छा डो तैयार कर लूँगी। जैसे नॉर्मली आप रोटियों के लिए डो हमेशा तैयार करते हैं, वैसा ही डो तैयार, ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा इसे ढीला करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बहुत ही अच्छा डो लगा लिया है अपने आटे का। और अब मैं इसका बिल्कुल बढ़िया सा डो बना के इसे एक तरफ ढक कर रख देती। तो देखिए, अब मैं अपने डो को एक तरफ रख देती हूँ, इसे काफ़ी थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल जाएगा तब तक। फ्रेंड्स, अब हम पनीर में जो हमें थोड़े से इंग्रीडियंट डालने हैं वो डाल लेते हैं। हम सबसे पहले इसमें डालेंगे जो हमने पालक अच्छे से वो किया था, उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका सबसे पहले हमें पानी निकालना है। तो इस प्रकार इसे दबा के सबसे पहले हम पानी निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी, वो पालक उबालने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हो चुका है। इसे हम मिक्सी के ग्राइंडर में डाल लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे मिक्सी के जार में रख लिया है, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे बिल्कुल दरदरा। और इसी में हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च। तो देखिए, मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल लेती हूँ। आपको बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसका, थोड़ा सा दरदरा छोड़ देना है आपको इसे। आप चाहो तो हरी मिर्च कट करके भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसे इसी तरह डाल रही हूँ, क्योंकि मोटी मिर्ची जब उसके बीच में आती है तो बच्चे कम खाना पसंद करते हैं। तो अब मैं इसे एक बार मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इसका बिल्कुल दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे चम्मच से इसके अंदर डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल लिया है। अगर आपकी मिर्च इसमें मोटी रह गई हो तो उसे आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमने अगर पालक का पेस्ट दरदरा पीसा है तो हो सकता है हमारी मिर्ची भी बड़ी बड़ी रह गई हो, जैसे कि मेरी एक मिर्ची इसमें से निकली है। देखिए, तो मैंने इसमें से ये जो मोटी मिर्ची रही हुई थी वो निकाल ली है।
अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और प्याज। फ्रेंड्स, अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप बिना प्याज की भी बना सकते हैं। और ये इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ धनिया। और फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे हम, ये हमने मोज़रेला चीज़ ली हुई है 1/2 कटोरी। इससे आपके पराठे काफ़ी टेस्टी बनेंगे। और फ्रेंड्स, अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने ली हुई है लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। 1 स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये छोटे चम्मच हैं। तो इसे आप 1/2 डाल लीजिएगा, जितना भी आप तीखा खाना पसंद करो उतना डाल लीजिएगा। और ये इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। तो देखिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला। और इसमें जाएगा आप स्वाद अनुसार काला नमक। और अब इसमें डालेंगे हम, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी इंग्रेडिएंट इसमें डाल लिए हैं, जो भी वेजिटेबल और मसाले थे ये सब इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। और अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर चम्मच से आपसे नहीं मिल पा रहा है तो मेरी तरह हाथों से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए प्रोटीन से भरा, कितने बढ़िया हरा भरा, कितना अच्छा हो गया है। इसमें सभी मैंने वेजिटेबल भी डाले हुए हैं। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हो ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं इसे एक साइड में रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने आटे को जो रेस्ट के लिए रखा था वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका। अब हमें इसे एक साइड में रख लेते हैं और अपनी गैस पर लगाते हैं तवा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें एक रोटी की तरह एक गोला लेना है, आटे का एक गोला ले लेना है और इसे इस प्रकार रोटी की तरह बढ़ा लेना है। तो देखिए मैं अपने चकले पर रख के इसका बेल लेती हूँ। तो देखिए अब मैंने इस प्रकार इसे बढ़ा लिया है। और अब इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा घी। घी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, जितना आप चाहो। और अब इसके ऊपर जो मैंने मिक्सर बनाया था अभी अभी वो रख लेंगे। तो इसे आपको इकट्ठा सा रखना है। तो देखिए इस प्रकार इसे मैं फैला लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक परत उठाकर इस प्रकार इसे मोड़ देना है और इसी के ऊपर आप लगाएंगे अपना आटे का पेस्ट जो कि अभी मैंने बनाया था। और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और फिर दूसरा भी आप इसके ऊपर रख देंगे ताकि ये चिपक जाए। और एक साइड से फिर से हम यही पेस्ट लगाएंगे और इसे भी ऊपर से दबा देंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसे चारों तरफ से अच्छे से दबा लिया है। अब आप देख सकते हो यह है कितना बढ़िया लिफाफा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इसी प्रकार, या तो फिर आप इसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आटा डालिएगा और इसे हल्का सा बेलन भी इस पर लगा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने पैन पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। बिल्कुल आपको लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे बनाना है और एक एक करके अब हम सभी को इसी प्रकार बना लेंगे। तो फिर से हम इसी प्रकार बॉल्स लेते हैं और इसे इसी तरह चारों तरफ से अच्छे से बेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात का आप खास ध्यान रखें कि आपको इसे लो फ्लेम पर ही बनाना, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाना है, वरना ये बीच में से कच्चा रह जाएगा। और अगर लो फ्लेम पर आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो मैंने इसकी बिल्कुल लो फ्लेम कर रखी है। अब इसी कंडीशन में मैं इसे पलट देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम धीरे धीरे अपनी दूसरी रोटी को भी इसी तरह बढ़ा लेंगे। तो मैं इसे काफ़ी पतली बना रही हूँ। देखिए मैंने पूरे चकले पर इसे फैला लिया। और अब हम चम्मच से इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल, जो हमारा एक तरफ से परोठा सिक चुका है उस पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे चम्मच से या बुर से, जिस टाइप से भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। और अब हम इस परोठे पर भी इसी तरह अपना मिक्सचर रखेंगे।
बस हमारा ये है लिफाफा बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे एक साइड में रख लेंगे, तब तक हमारा ये है बनकर तैयार हो रहा है। तो अब मैं इसे पलट लेती हूँ, देखिए कितना बढ़िया और कितना अच्छा सिका हुआ है। लो फ्लेम पर आपको धीरे धीरे इसी प्रकार इसे सेक लेना है। तो फ्रेंड्स अब इसे इस प्रकार भी सेक लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। फ्रेंड्स जब आप लो फ्लेम पर सेकेंगे तो इसे ये चारों तरफ से भी काफ़ी अच्छे तरीके से सिक जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार का आपको कुरकुरा क्रिस्पी इसे बनाकर उतार लेना। अब हम इसे भी इसी प्रकार इस पर डालेंगे और इसे सेक लेंगे। पहले मैं नीचे से इसे चिकना कर लेती हूँ। तो देखिए लो फ्लेम पर ही हम दूसरे को भी इसी प्रकार सेक लेंगे। तो धीरे धीरे करके सभी को आपको इसी प्रकार सेक कर तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पनीर के और पालक के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बने हुए हैं। देखिए मैं इनमें से एक आपको इसका क्रिस्पी बना दिखा रही हूँ और अब हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए मैं इस प्लेट में रखी इसे कट करके दिखा रही हूँ आपको, कितना लाजवाब और कितना अच्छा बना हुआ है अंदर से आप देख सकते हो। और यह है चीज़ें भी काफ़ी हैं, देखिए आप देख सकते हो इसकी लेयर कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी दिख रही है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है ये। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी कभी पौष्टिक भरा और सेहतमंद नाश्ता आप ये पराठा बनाइएगा और खाइएगा। आपने आलू के पराठे बहुत खाए होंगे, आलू गोभी मूली और मेथी के पराठे बहुत खाए होंगे, लेकिन अब आप पालक को भी वेस्ट मत जाने दीजिएगा। पालक और पनीर से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक पराठे बनाइएगा और खाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर इन्हें आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगली एक न्यू रेसिपी साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए।